वक्त ने फंसाया है मुझे, लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। हालातों से डर जाऊँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक नई दुकान खोलने जा रहे हैं तो ये गलती मत करिएगा, वरना बर्बाद हो जाएंगे, पैसे डूब जाएंगे। एक नई दुकान खोलते वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम समझें कि कहाँ दुकान खोलें कहाँ नहीं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और समझें। ये वो 4 स्टेप्स हैं जिसके बाद आप एक सही और बेहतरीन जगह पर अपना दुकान खोल सकते हैं। नंबर 1, प्लेस। देखिए, जगह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए मिलता है क्योंकि अगर आपने एक सही धंधे के लिए सही जगह ढूंढ लिया, फिर तो 75% आपका दुकान केवल जगह की वजह से तेज़ी से दौड़ेगा। आप ये भी सोचें कि आप अपना धंधा कहाँ शुरू करें कि आसानी से आपके सामान बिक जाएं। एग्जाम्पल के तौर पर, बनारस में काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के आसपास जितने भी दुकानदार हैं, वो लगभग 6 महीने के अंदर लखपति बन जाते हैं। इस बात को मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग दर्शन करने जाते होंगे कहीं पर भी, उन्हें पता होगा कि 10 रुपये का सामान 50 रुपये मिलता है। इसलिए आप जहां पर भी दुकान खोलें, वहां पर इन बातों का ज़रूर ध्यान दें। अब जगह का इम्पोर्टेंस तो पता चल गया, तो नेक्स्ट पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे देखें। नंबर 2, मार्केट रिसर्च। अब आपने जगह ढूंढ लिया, अब आपको देखना है कि आप जहां पर दुकान खोल रहे हो वो एरिया कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कितने एज के लोग ज़्यादा हैं, कितना उनका बजट है। जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हो तो आपको समझ आ जाता है कि यहाँ पर किस सामान का ज़्यादा ज़रूरत है, किस रेट का हम सामान बेच सकते हैं और किस प्रकार का हम दुकान खोल सकते हैं। ये दुकान खोलने से पहले की प्लानिंग और मेहनत है, जो कि इसके बारे में बड़े बड़े व्यापारी जानते तो बहुत हैं, लेकिन बताते किसी को नहीं है। इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखें। नंबर 3, नीड कंज्यूमर बर्निंग प्रॉब्लम। अब आपने जगह ढूंढ लिया, साथ ही अपने कस्टमर को भी पहचान लिया, लेकिन अब आपको कंज्यूमर की बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, क्योंकि आप जो भी नई दुकान खोल रहे हो, या तो वो उस मार्केट में नहीं होगी या पहले से मौजूद होगी भी, तो आप कुछ चेंजेस करके बेचोगे। देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट अपने दुकान या बिजनेस में लाओ, लेकिन सबसे पहले बात आती है कि जो आप सामान लाए हो, क्या वो किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है कि नहीं, उसकी ज़रूरत लोगों को है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक दुकान या बिजनेस में। क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स नहीं लाए, तो आपका स्टॉक पड़ा रह जाएगा और शायद आप फेल भी हो सकते हो। अगर आप अपने धंधे में फेल नहीं होना चाहते, तो नेक्स्ट पॉइंट को जरूर देखें। नंबर 4, हाउ टू ग्रो योर शॉप। अब आपने दुकान खोल ली, जगह कैसा रहना चाहिए ये भी सीख लिया, और सामान कौन सा रखें वो भी पता चल गया। लेकिन अब आप जानेंगे कि अपने दुकान में ऐसा क्या करें कि दुकान पर ग्राहक खुद दौड़ तक वह चलाए, यानी कि अपने दुकान को बड़ा कैसे करें। ठीक है, जब भी बात आती है दुकान या बिजनेस को बड़ा करने की, तो सबसे पहला काम मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग की। देखिए, मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसे आप और हम सब लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक है गुरिल्ला मार्केटिंग, इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को बहुत बड़े में दिखाना या फिर काफ़ी अलग तरह से दिखाना। इसमें आप अपने दुकान का कोई आइटम बड़े में बनवा कर आप बाहर लटका दीजिए, या फिर आप कुछ भी ऐसा करें जिससे लोग आकर्षित हों और आपकी दुकान तक बिना बुलाएं चले आएं। ऐसी बहुत सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिससे लोग बहुत कम पैसे में अपनी बहुत दूर दूर तक पहचान बना लेते हैं। अगर आपको मार्केटिंग पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही इन 10 पॉइंट को अपने दुकान में जरूर अप्लाई करें, क्योंकि यही सब वो गलतियां हैं जिनसे आपके फेल होने का चांस बढ़ जाता है। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।